हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस। दो साल के इंतजार के बाद फाइनली इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर रैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है। खुशी की बात यह है कि पहली बार टेरिटोरियल आर्मी में लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी 2019 में अप्लाई करने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच है तो आप टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। ये एज क्राइटेरिया मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई करने के लिए यह अनिवार्य है कि आप एक ग्रेजुएट हों। इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आपके ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंट मार्क्स हों और आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी का जॉब पूरे वर्ष के लिए नहीं होता, बल्कि आपको हर साल 2 या 3 महीने ही देश की सेवा करने का मौका मिलता है, ये ज़रूरी है कि आपके पास कोई दूसरा आय का साधन हो। आप सरकारी नौकरी कर रहे हों, प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयड हों या आपका खुद का कोई बिजनेस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप कहीं काम कर रहे हों। इंटरव्यू से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो प्रूव करे कि आप कहीं काम कर रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम 28 जुलाई को शेड्यूल्ड है। आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए 26 मई से 25 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा www.jointerritorialarmy.gov.in पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में jointerritorialarmy.nic.in लिखा है, लेकिन नोटिफिकेशन इशू करने के बाद इंडियन आर्मी ने एक ओरिजिनम इशू कर .nic.in को .gov.in में चेंज कर दिया। टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम 17 सेंटर्स में कंडक्ट किया जाएगा, नेमली जयपुर, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, दीमापुर, चंडीगढ़, जलंधर, शिमला, हिसार, लखनऊ, पटना, उधमपुर और श्रीनगर। टेरिटोरियल आर्मी के एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चंस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के। पेपर 2 जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, जिसमें 50 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के होते हैं और 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में हमने एक ब्लॉग बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है OMR शीट पर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको दोनों पेपर्स में इंडिविजुअली 40% मार्क्स और टोटल में मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। अप्लाई करने के बाद सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग एज ऑफ नाउ 28 जुलाई को शेड्यूल्ड है। स्क्रीनिंग में सबसे पहले आप रिटन एग्ज़ाम देंगे और अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर किया तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग के दौरान जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ये ज़रूरी है कि आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हों: 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आप किसी भी रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से प्राप्त कर सकते हैं, ID प्रूफ विद फोटोग्राफ जैसे वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल या रेसिडेंशियल प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज जिसमें आप मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एफिडेविट स्टेटिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एनुअल इनकम अलॉन्ग विद फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेटेस्ट इनकम प्रूफ, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। रेलवेज के एम्प्लॉय के लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना अनिवार्य है। टेरिटोरियल आर्मी की रिटन एग्ज़ाम और SSB इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं मेजर कलशी क्लासेस से। टेरिटोरियल आर्मी की रिटन एग्ज़ाम और SSB इंटरव्यू की बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए विजिट करें www.mkcpublication.in। तो अगर आपका भी पैशन है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। मेजर कलशी क्लासेस की तरफ से सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।